गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून अमित काजल विकास रोहित खुशी संध्या एमडी शाहरुख श्रेया राकेश सूरज बबीता सुनील विनीता प्रशांत सूरज रोहित कामना नरेंद्र संग्राम निशा बजरंग नौशाद अली पूजा अरमान शिवम राहुल अभिषेक राकेश हिमांशु क्या हाल है भाई आप लोगों के बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार जानदार एकदम जगास तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में जो कि करियर विल पर अभी रीजनिंग का एकदम नया बैच है जैसे कि आप जानते हैं करियर विल एप्लीकेशन पर सारे के सारे न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं सत्रह जुलाई से है ना मैथ्स राकेश सर गगन सर इंग्लिश है ना गोपाल सर जयदीप सर रीजनिंग मेरा अरुण सर और कंप्यूटर और जी सारे के सारे जो बैचेस हैं वो करियर विल एप्लीकेशन पर न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं सत्रह तारीख से ठीक है तो ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये रीजनिंग स्पेशल बैच की क्लास है जिसका कल पहला दिन था और आज सेकंड डे है आज है सेकंड क्लास दूसरी क्लास इस बैच में हमने जो शुरू किया है है ना इस बैच में हमने क्या शुरू किया इस बैच में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है डेट इज काउंटिंग फिगर अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है हो सकता है आप लोगों ने लेट एडमिशन लिया हो या आप लोग आज आए हो तो आप लोग है ना जी यूट्यूब पे भी लाइव है यूट्यूब के भी कमेंट्स आ रहे हैं ठीक है अभी ये क्लास है ना हमारी एप्लीकेशन पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाई पीयूष पार्ट्स ने दोनों जगह ये क्लास अभी लाइव है ठीक है क्योंकि ये नया बैच है तो फिलहाल ये दोनों पर लाइव है वो भी फ्री ठीक है जी हाँ चलिए लेकिन ये कोई डेमो नहीं है आप लोग ये मत समझना कि अभी तो डेमो चल रहा है अभी सर बाद में पढ़ाना शुरू करेंगे हमने कल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया और कल से ही हमारा चैप्टर सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट हो चुका है है ना जी हाँ और कल हमने काउंटिंग फिगर का पहला दिन था कल हम लोगों ने टोटल 21 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 21 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा वो कल का लेक्चर जरूर देखे क्योंकि जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना उस चैप्टर की पहली क्लास देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो एकदम बेसिक क्लास होती है उसी क्लास से उस चैप्टर की भूमिका बनती है उस चैप्टर के बारे में हमें पता लगता है है ना तो एक पढ़ने का अलग ही मजा आने लगता है मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस चैप्टर को पढ़ने में अगर हम पहला टॉपिक पहला लेक्चर अटेंड कर ले तो उस टॉपिक का ठीक है जी चलिए तो आज आज है सेकेंड डे काउंटिंग फिगर का तो जो कल हमने पढ़ा था हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक बार पहले मैं दो मिनट के लिए कल का सारा रिवीजन करवा दूं है ना जो भी कुछ हमने कल पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो कल मैंने आपको बताया कि जो काउंटिंग फिगर हम पढ़ रहे हैं आकृतियों की गणना इतने सारी काउंटिंग है जो हमें सीखनी है इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हमने काउंटिंग स्टार्ट करा कल वो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स है ना त्रिकोण या त्रिभुज की गणना काउंट करी ये जो त्रिकोण होता है ये जो त्रिभुज होता है ये जो ट्राइंगल है इसको हमने कल काउंट करना सीखा तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा तो टोटल तीन टाइप्स हैं तीन पैटर्न है जो ट्राइंगल की है तो कल सबसे पहले हमने फर्स्ट पैटर्न स्टार्ट किया फर्स्ट पैटर्न क्या है कि हम त्रिभुज के किसी भी एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पर ढेर सारी लाइन खींचते हैं ढेर सारी लाइन तो हमने कल जितने भी क्वेश्चन किए टाइप वन कैटेगरी के, के किए आज भी पहले हम टाइप वन पढ़ेंगे उसके बाद टाइप टू स्टार्ट करेंगे फिर हम क्या करेंगे टाइप वन टाइप टू को मिक्स कर देंगे और फिर लास्ट में टाइप थ्री देन ट्राइंगल खत्म उसके बाद खत्म होगा त्रिभुज को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है तो जितने भी कल क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन बेटा इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और इस पैटर्न का डायरेक्ट ट्रिक क्या इंडिविजुअल नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो बस यही हमारा बेटा है। है? यह आंसर है है ना? Sir, को ऐसा क्यों हो रहा है इसको हमने कल एक्सप्लेन भी किया था कंसेप्ट भी बताया था कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है और ये क्या है बेटा ये समेशन एन है सिक्स इंटू सेवन बाई टू इसको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं सिक्स इंटू सेवन बाई टू करके है ना समेन एन एन इंटू एन प्लस से इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे और ये कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड है ये दो हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड है तो हम इससे दो का मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है जी हाँ जी अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वन टू सिक्स इन सारे बेटा यूट्यूब पे कितनी क्लासेस फ्री रहेंगी सर ये ये नहीं बताएंगे ये तो सीक्रेट है कितनी क्लासेस इस बैच की फ्री रहेंगी ठीक है हाँ अभी फिलहाल फ्री है कल भी फ्री थी आज ही भी फ्री है मे बी कल का कल देखेंगे ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सारे नंबर आपस में ऐड कर दो वन टू सिक्स ठीक है और कितने से मल्टीप्लाई कर दो एक दो तीन चार पाँच कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड है पांच हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड है तो पांच से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ये हमारा आंसर आ गया अच्छा इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है सर इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो और यही सारे नंबर आपस में जोड़ दो याद आ रहा है ना कल जो कुछ पढ़ा था आपको सारे फिगर्स आपको याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे है ना ये सब याद आ रहा है या याद नहीं अब कुछ भूल गए सब कुछ है क्यों भाई चलिए साहब अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब हमने क्या किया था अभी तक ना हम त्रिभुज के एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे फिर मैंने मैंने ना त्रिभुज त्रिभुज के के दो के दो पॉइंट पॉइंट से से लाइन खींचना शुरू किया मैंने। और जब हम त्रिभुज के दो पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो बेटा यहाँ पे दो केस बनेंगे या तो दोनों दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल खींची जाएंगी या फिर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अनईक्वल होंगे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होंगी तो जब अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल खींची जाए तो बेटा बड़ा आसान था क्यूब कर दो क्या कर दो इस नंबर का क्यूब कर दो है ना क्या कर दो इसी नंबर कर दो। कर दो? इसी नंबर नंबर का क्यूब कर कर दो, अगर दो क्या बताओ कैसे सॉल्व करते थे तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तीन स्टेप बनाकर तीन स्टेप बिल्कुल बहुत बढ़िया संतोष हाँ जी तब हम इस क्वेश्चन को तीन स्टेप बना के सॉल्व करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक्स यहां से कितने त्रिभुज बने y यहां से कितने त्रिभुज करे -z यानी कि ये कितने पॉइंट्स हैं तब हम इस क्वेश्चन को तीन स्टेप में सॉल्व करते थे ठीक है फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाएगी और जब त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाएगी तो सिर्फ एक सिंगल यूनिक फिगर बनेगी जिसका आंसर कितना होगा 16 होगा फिर हमने बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना क्वेश्चन नंबर सोलह तक ये सारे क्वेश्चन सिंगल फिगर वाले क्वेश्चन थे मतलब एक सिंगल फिगर थी लेकिन अब हमने क्या किया हमने मल्टीपल फिगर्स को यूज करना सीखा फिर मैंने आपको कैसे सॉल्व करना सिखाया मल्टीपल फिगर्स जो होंगी बड़ी फिगर्स जो होंगी उनमें हमें काउंटिंग करनी है दो मेथड से पहले हम काउंटिंग करेंगे अपनी आंखों से फिर हम काउंटिंग करेंगे मन की आंखों से अपनी आंखों का मतलब पहले हम ट्राइंगल्स काउंट करेंगे बेसिक फिगर में देन आफ्टर काउंट करेंगे उन बेसिक फिगर को मिलाकर जो एक्स्ट्रा बनेंगे उसमें हाँ तो दो दोनों बेसिक, बेसिक, एक बन बेसिक फिगर लेकिन एक्स्ट्रा एक भी नहीं बनेगा यहाँ पर तीन बेसिक फिगर थी और दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए बाद में यहां पे बेटा तेरे बेसिक फिगर है और फिर दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बने हैं बाद में तो यहां तक हम चीजें पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन आप को लोगों को याद आगे होंगे ठीक है हाँ जी बेटा जिसमें तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाती है ना उसकी एक ही सिंगल फिगर बनेगी जिसका आंसर सिक्सटीन है उसके अलावा कोई फिगर नहीं बनने वाली ठीक है हाँ जी चलिए साहब अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन आपके सामने है अब आपको ये देखना है कि ये जो फिगर है ये कितने बेसिक पार्ट में डिवाइड हुई है आप ये देखो ये तब तक आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते ये काफी खतरनाक का फिगर है, है ना <laughs> बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे देते हैं क्योंकि उन्होंने वो क्वेश्चन पहले किया होता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में एक्स्ट्रा क्यों नहीं बने क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में एक्स्ट्रा क्यों नहीं बने बाबू यहाँ पे एक्स्ट्रा कैसे बनेंगे देखो ये जो त्रिभुज है ना ये वाला जो त्रिभुज है जो आप सोच रहे हो कि ये एक्स्ट्रा त्रिभुज है बेटा ये एक्स्ट्रा नहीं है ये ऑलरेडी इन दस में काउंट हो चुका है और ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये भी ऑलरेडी इन दस में काउंट हो चुका है एक्स्ट्रा त्रिभुज वो होता है जो यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म होता मतलब कोई ऐसा त्रिभुज होता जो ऐसे ऐसे बना होता ये एक्स्ट्रा त्रिभुज होता जो यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो समझ रहे हो इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो ना हाँ जी बनाओ बेटा फटाफट फड़ से इस क्वेश्चन को फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से हाँ जी देखो कमेंट्स के चक्कर में मत पढ़ो अभी आज का आप आज आपका मतलब दूसरा ही दिन है इस बैच में अभी आप नए नए हो फ़िलहाल आप सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो ठीक है थोड़ा सा पुराने हो जाओगे तब आप लोगों के सारे कमेंट्स भी हम पढ़ लेंगे ठीक है अभी आप चीज़ों को सीखो अभी आप नए नए हो अभी आप पूरा ध्यान क्वेश्चन को समझने में लगाओ ठीक है सीखने में लगाओ YouTube पे जो फ्री क्लास चल रही है अभी फिलहाल वहाँ तो कमेंट्स इसलिए बच्चे धड़ाधर धड़ाधर कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हो सकता है रिवीजन कर रहे हो ठीक है हाँ जी लेकिन एप्लीकेशन पर सारे बच्चे नए बच्चे हैं जिन्होंने शायद पहले कभी ना पढ़ा हो या पढ़ा हो तो किसी और से पढ़ा हो ठीक है तो इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझने पर ध्यान लगाओ अच्छे से क्वेश्चन नंबर इक्कीस में क्या दिक्कत है बाबू देखो तीन और तीन छे और तीन नौ नौ त्रिभुज तो, तो ये है देखो दसवां त्रिभुज ये छोटा ग्यारहवा ये छोटा बारह ये छोटा तेरह ये छोटा तेरह त्रिभुज तो ये होगा बेसिक इसके अलावा यहाँ पे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे वो कौन से दो त्रिभुज थे एक त्रिभुज ये था बीच में सेंटर में और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला था ये दो त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेंगे चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना अच्छा इस क्वेश्चन को अगर मुझे बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है यहाँ पे तीन बेसिक पार्ट है पहला जो त्रिभुज है वो है ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी त्रिभुज क्यों भाई क्या आप लोगों को ए बी सी त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी क्या आप ए बी सी त्रिभुज को देख पा रहे हैं इसमें कितने त्रिभुज है एबीसी में सर ए बी सी में तीन त्रिभुज है मैं लेजर पेन से ए बी सी को दिखाना चाहूँगा देखो दिस इज़ ए बी सी ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी जिसमें है तीन त्रिभुज कोई दिक्कत सर बिल्कुल दिक्कत नहीं किस बात की दिक्कत एकदम सब बढ़िया अच्छा अगला जो त्रिभुज है मेरा ए बी सी के अलावा वो है डी ई एफ जो अगला त्रिभुज है मेरा वो है डी ई एफ डी ई एफ त्रिभुज को जरा ध्यान से देखो डी ई एफ त्रिभुज को जरा ध्यान से देखो ठीक है मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये फिगर किन बेसिक पार्ट से मिलकर बनी है देखो ये रहा डी ई एफ अगला जो त्रिभुज है वो है डी ई एफ दिखाई दे गया सबको डी ई एफ त्रिभुज बताना डी ई एफ में कितने त्रिभुज हैं सर डी ई एफ में टोटल तीन त्रिभुज हैं चलिए और यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज और है एक बड़ा त्रिभुज जो है ये वाला है ना जी एच आई एक बड़ा त्रिभुज और है यहाँ पे ठीक है एक बड़ा त्रिभुज और बनने वाला है ये वाला ठीक है जी एच आई कितने त्रिभुज है यहाँ भी तीन आई को लेजर पेन से दिखाएं देखो ये रहा जी एच आई जी एच आई को आप लेजर पेन से देख सकते हैं दिस इज जी एच आई तो जी एच आई में कितने त्रिभुज हैं जी एच आई में तीन त्रिभुज हैं तो बाबू यहां पर कितने बेसिक फिगर है है ना यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है यहाँ पे तीन बेसिक फिगर है ए बी सी डी एफ जी एच आई ये जो फिगर बनी है ये इन तीनों फिगर को जोड़कर बनी है ये बात मानते हो कि नहीं मानते हाँ सर ये बात बिल्कुल मानते हैं कि ये जो बड़ी फिगर बनी है ये इन तीनों फिगर को जोड़ने से ही बनी है हंड्रेड परसेंट इनको जोड़ने से बनी है चलिए यानी कि तीन और तीन और तीन नौ नौ त्रिभुज तो यहाँ पे बेसिक है अब हम काउंट करते हैं कितने है? ये बताओ, अगर मैं आपस है, है में अगर मैं ए बी सी में डी एफ को ऊपर से रख दू मैं डी एफ को ऊपर से रख दूँ लाइक दिस मैंने डी ई एफ को ऊपर से जोड़ दिया तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए बी सी और डी ई एफ आपस में जुड़कर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल देंगे यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे जैसे मैंने ए बी सी के ऊपर डी ई एफ को ले जाके रखा तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे तो भाई साहब देखो ये तीन त्रिभुज तो बन गए ऊपर तीन त्रिभुज ऊपर बन गए ना एक त्रिभुज ये बन गया साइड में एक ये बन गया साइड में एक ये बन गया साइड में एक ये बन गया साइड में इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और हैं बाबू देखो ये रहे दो बड़े त्रिभुज बेटा ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा और हैं तो जैसे ही मैंने एबीसी में डीईएफ को ले जाके रखा तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए हैं तीन चार पांच छे सात सात के बाद ये आठ आठ के बाद ये नौ तो एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा बने पहले तो बताओ ये बात मानते हो कि नहीं मानते जैसे ही मैंने एबीसी के ऊपर डीई एफ को ले जाके रखा तो नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए बहुत बढ़िया अब आप सोच कर देखो कि जब डी e. और जी को जोड़ोगे जब डी और GHI को जोड़ोगे तब कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे ये जी है ये जी है और इसमें जब डी e. को जोड़ोगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे जब डी को जोड़ोगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे सर जीरो एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनेगा एफ और जी एच मिलकर एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं दे सकते जीरो त्रिभुज अब यहां पर करना क्या है बस एक और जोड़ना है ए बी सी और जी एच आई अब आप एबीसी और जी एच आई को ध्यान से देखो ए बी सी और जी एच आई वाले फिगर को ध्यान से देखो देखो यह है ये, है ये है जी एच आई ये जो फिगर है यह है जी एच आई और इसमें ए बी सी को जो जोड़ा गया है वो इस तरीके से जोड़ा गया है ये है ए बी सी अब ये बताओ जैसी मैंने जी एच आई के ऊपर ए बी सी रखा है ये कितने एक कि देगा तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बिल्कुल सेम फिगर है ये दोनों सेम फिगर हैं जितने त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं उतने ही त्रिभुज यहाँ भी एक्स्ट्रा हैं ठीक है अगर नौ त्रिभुज यहाँ एक्स्ट्रा है तो नौ त्रिभुज यहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे देखो तीन त्रिभुज तो ये रहा एक्स्ट्रा चौथा ये येरा पाँचवा छठा ये रहा सातवां ये रहा सात के बाद यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और आएंगे देखो आठ और एक नौ तो जो नौ त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा है वही नौ त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा है तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान हो गया ठीक है बहुत आसान और एग्जाम में ना बेटा एज इट इज रिपीट होते हैं क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हो सर अभी आपने इस क्वेश्चन को इतनी देर में एक्सप्लेन किया एग्जाम में हम क्या करेंगे एग्जाम में पता आप क्या करोगे जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन देखते ही आप सत्ताईस आंसर टिक कर दोगे बिना सोचे समझे मुश्किल से पाँच सेकंड लगेंगे आंसर देने में क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं पेपर में और आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं देखो समझना जरूरी है कि आंसर एग्जैक्टली क्या है और कैसे निकला यहाँ पर कितने बेसिक पार्ट हैं सर यहाँ पे तीन बेसिक पार्ट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तीनों में तीन 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 है तीन और तीन छीन नौ तो मेरे बेसिक हो गए इसके अलावा है ना ए बी सी और डी एफ e, को जोड़ने पर नौ बनेंगे इन दोनों को जोड़ने पर कुछ नहीं बनेगा और इन दोनों को जोड़ने पर भी कितने बनेंगे नौ बनेंगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए नौ नौ अठारह त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए और आंसर कितना आ गया सत्ताईस आ गया आंसर कितना आ गया ट्वेंटी सेवन आ गया सत्ताईस आंसर आ गया ठीक है अगर मान लो एग्जाम में सिर्फ ये वाली फिगर होती तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज थे कितने Siri, इस फिगर में बताना टोटल कितने त्रिभुज है सर दो बेसिक फिगर हैं तीन और तीन दो बेसिक फिगर हैं तीन और तो 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 है? तीन हो कि नहीं मानते हाँ और एक्स्ट्रा कितने हैं नौ तो और छो पंद्रह तो इस फिगर में कितने त्रिभुज है सर इस फिगर में टोटल पंद्रह त्रिभुज है इस फिगर में कितने हैं पंद्रह त्रिभुज तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड करूं अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे डिवाइड करता हूं मैं आपसे पूछता हूं बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में बताओ टोटल कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में बताओ टोटल कितने त्रिभुज हैं और इस फिगर में बताओ टोटल कितने त्रिभुज हैं बताओ एक दो तीन चार और फिर फाइनली है ना फिर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर देना हम्म ये कुछ फिगर्स मैंने बनाई है एक दो तीन चार पांच ये पांच फिगर बनाइए सबके आंसर दो बेटा फटाफट फटाफट फटा, कुछ ही सेकंड्स के अंदर हाँ जी अब बेटा चुटकी बजाता है ये क्या है वन टू वन प्लस टू थ्री इसकी ट्रिक हमने कल डिस्कस की थी तो ये बेसिक फिगर है और इसी बेसिक फिगर का यूज करते हुए ये सारी फिगर्स तैयार की गई है इसी बेसिक फिगर का यूज करते हुए है ना चलिए साहब इसमें कितने हैं तीन और तीन यहाँ पर दो बेसिक फिगर हैं तो कितने हो गए बाबू और कितने हो गए कितने है? है दे है। तीन और तीन छो तो हो गए और हो गए तो बेसिक प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने हैं सर नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा है हमने डिस्कस किया था तीन चार पांच छे सात सात के बाद ये आठ आठ के बाद ये नौ तो नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा है नौ और छ कितना हो गया पंद्रह सर सेम फिगर छ तो बेसिक है क्योंकि दो फिगर बनी हुई है ऐसी तो बेसिक है है ना यहाँ पे तो बेसिक है प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं सर वही नौ जो वहां पर एक्स्ट्रा है और यहाँ पर कितने हैं यहाँ पे तीन और तीन छीन नौ नौ तो बेसिक है क्योंकि ऐसी फिगर कितनी है ऐसी कितनी फिगर है यहाँ पे तीन फिगर है और दो को मिला के नौ दो को मिला के नौ अठारह और इसका आंसर कितना है सत्ताईस ठीक है तीन छ पंद्रह पंद्रह सत्ताईस आप बताओ कोई दिक्कत अब आ गया ना मजा बहुत बढ़िया है चलिए वेरी गुड जॉब तो ये एक शानदार क्वेश्चन था एक बढ़िया क्वेश्चन था ये इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हमने ये सारे स्टेप फॉलो किए तब जाके हम इस क्वेश्चन पे पहुंचे ठीक है चलिए साहब अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा हम इस क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करेंगे हम इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड करेंगे लाइक like दिस इस 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 पॉइंट से ये और बताओ फिगर फिगर में कितने इस में टोटल टोटल कितने कितने त्रिभुज त्रिभुज हैं 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 हम ट्रिक जानते बेटा ये वाली ट्रिक हम जानते हैं काउंटिंग कैसे करनी है इंडिविजुअल नंबर्स करके इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो ठीक है हम जानते हैं कि छ त्रिभुज है ऐसे ही बेटा इस तरीके से डिवाइड करो लाइक like दिस जैसे इस वाले पॉइंट से मान लो कि ये तो इस वाले फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके दिखाओ ठीक है जी हाँ बेटा छः और नौ पंद्रह पंद्रह वहां से आ गया था छः तो बेसिक थे और नौ एक्स्ट्रा थे सॉल फटाफट से जल्दी से हाँ। बताओ सर आप सारी क्लासेस यूट्यूब पे डाल रहे हो देखो जो जो एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सारी क्लासेस आप तो यूट्यूब पे डाल रहे हो हमारे एडमिशन देने का फायदा क्या हुआ और जो यूट्यूब पे बच्चे क्लास ले रहे हैं वो कह रहे हैं सर प्लीज सर कितनी क्लासेस और फ्री दोगे ये सारा ये टॉपिक तो एटलीस्ट फ्री करा देना या और भी क्लासेस फ्री करा देना मतलब यूट्यूब वाले बच्चों को तो आज सेकंड दूसरी ही क्लास है तो उनको तो लग रहा है सर ने अभी कुछ नहीं पढ़ाया भाई सवा सौ क्लासेस सौ एक सौ दस क्लासेस होती हैं उनमें दो तीन चार क्लासेस अगर मिल जाएंगी तो क्या होगा पूरा सिलेबस नहीं होगा लेकिन जो पैसे देकर बैच खरीदे हैं एप्लीकेशन पर उनको लग रहा है कि अरे यूट्यूब वालों को दो तीन क्लासेस भी क्यों दे रहे हो सर अरे तो इतनी जलन द्वेष की भावना मत रखो, <laughs> नहीं नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो देखो पूरा बैच यूट्यूब पर फ्री नहीं पढ़ा सकते उसके पीछे कई कारण, कारण है कई कारण है कारण नंबर एक है ना सबसे शानदार कारण यह है मैं यूट्यूब पे अपना पूरा रीजनिंग का बैच फ्री भी पढ़ा दूंगा लेकिन उसके बाद है ना उसके बाद आप मेरी वैल्यू है ना मेरे कंटेंट की वैल्यू इतनी गिरा दोगे जिसकी कोई हद नहीं क्योंकि आपको पता है हमारी इंसान की एक फितरत है हम कभी भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है ठीक है कभी नहीं करते और मैं अगर आपको पूरा बैच फ्री में पढ़ा भी दूंगा ना यूट्यूब पे तो भी आप उसको सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं करोगे ये मेरी गारंटी है वो सिंसियरिटी आपके अंदर कभी नहीं आ सकती आ ही नहीं सकती ठीक है तो फ्री में जब हम कोई काम करते तो वो सिंसियरिटी नहीं आ सकती लेकिन जब हम चाहे थोड़े पैसे देते चाहे थोड़े से ही पैसे दें जैसे जब हम मंदिर भी जाते हैं तो जब हम बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं है ना एक तो वो हो गया मंदिर जाना कि मंदिर के सामने से गुजरे भगवान को प्रणाम किया आगे निकले एक हो गया मंदिर जाना जब हम इक्कीस रुपए की ग्यारह रुपए की है ना इकतीस रुपए की थाली खरीद के मंदिर में जाते हैं और भगवान की पूजा करके आते हैं तो उस दिन हमें कितनी फीलिंग्स आती हैं कि हाँ आज हमारा है ना आज हमारी भगवान ने जरूर सुनी होगी आज डायरेक्ट हमारा भगवान से कॉन्टेक्ट हुआ है <laughs> उस दिन आपको ऐसी फीलिंग आती है कि बस आज तो भगवान ने हमारी सुन ली और आज हमारी मनोकामना पूरी होगी ठीक है तो वो फीलिंग्स आती ठीक है? थीके? वही हाल है ठीक है जी तो वैसे भी करियर वे लैब पर जो फीस ली जाती है वो मिनिमम से मिनिमम होती है वो ना के बराबर ही होती है है ना वो सिर्फ इसलिए होती है एज ए टोकन मनी कि बस आपके अंदर वो रेगुलरिटी आ जाए वो सिंसियरिटी आ जाए पढ़ने की ठीक है आप पढ़ोगे तरीके से अगर आपने पैसे दिए हैं बैच खरीदा है तो आप ना रेगुलर पढ़ोगे वरना आप पढ़ोगे नहीं रेगुलर ठीक है जी हाँ चलिए साहब तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं यहाँ पर छह त्रिभुज बने हुए हैं तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो कितने त्रिभुज बने हुए हैं वन प्लस टू प्लस थ्री यानी कि तीन और दो तो पांच और एक छह कितने त्रिभुज बने हुए हैं छे त्रिभुज बने हुए हैं हुए हैं अगर मैं इस पॉइंट से लाइन खींचू यहां पर तो वन प्लस टू प्लस थ्री तीन और दो पांच वे एक क्षेत्र बने हुए हैं बहुत बढ़िया अगर हम इस पॉइंट से लाइन खींचे इस पॉइंट से यहां पर लाइन खींचे वन प्लस टू प्लस थ्री तीन और दो पांच और एक क्षेत्र बुज यहां बने हुए हैं बहुत बढ़िया अगर हम इस पॉइंट से इस पे लाइन खींचे तो वन टू थ्री यानी कि क्षेत्र बुझ यहाँ बने हुए हैं ठीक है अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ लाइन खींचू तो छह वो यहाँ बने हुए हैं और अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ लाइन खींचू तो छह वो यहाँ बने हुए हैं लेकिन पता है दिक्कत क्या हुई दिक्कत ये हुई छे और छह बारह और छ अठारह और छे चौबीस और छह तीस और छे छत्तीस कितने त्रिभुज आ गए थर्टी सिक्स

ये भी एक ऐसा त्रिभुज है जो दो बार काउंट हुआ है तो ये जितने भी शेडेड पोर्शन वाले हैं ये वो त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए कॉमन देखो ये त्रिभुज इसमें और इसमें काउंट हो गया ये वाला त्रिभुज इसमें और इसमें काउंट हो गया तो कितने डबल काउंट हो गए एक दो तीन चार पांच छ ये छह त्रिभुज ऐसे हैं जो डबल काउंट हो गए तो इस बार हम प्लस छ नहीं माइनस का छ करेंगे इस बार हम प्लस छ नहीं माइनस का छ करेंगे लेकिन इसके बावजूद यहां पर दो ऐसे त्रिभुज हैं जो सबको मिलाकर बन गए हैं देखो ये दो बड़े ऐसे त्रिभुज हैं जो सबको मिलाकर बन गए हैं जो अभी तक काउंट नहीं हुए यहां पर ये दो बड़े त्रिभुज हैं जो हमने अभी तक काउंट नहीं किए हैं तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया थर्टी टू माइनस का छो बस थर्टी टू इज द राइट आंसर थर्टी टू इज द राइट आंसर ठीक है हाँ जी यूपी कांस्टेबल हो एसएससी हो है ना रेलवे हो टीचिंग हो डिफेंस हो स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो यूपीएससी सीसेट हो हर एग्ज़ाम की पूरी रीजनिंग होगी ठीक है हर एग्ज़ाम की और ये जो करियर विल एप्लीकेशन पर बैच है ये लाइफ प्लस वीओडी बैच है वीओडी का मतलब एक ऐसा बैच जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसकी सारी रिकॉर्डिंग हमने दी हुई है अगर आप लाइफ नहीं कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस आपके अंदर पेशेंस नहीं है छः महीने का क्योंकि ये तो छः महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा अगर आपको छः महीने का पेशेंस नहीं है तो आप वी में जाकर अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है और जो VOD क्लासेस है ना इस बार VOD क्लासेस की क्लास PNG भी आप लोगों को दी गई है हर बार नहीं दी जाती थी है ना जैसे लाइव क्लास की क्लास PNG वैसे VOD क्लास की क्लास PNG देखो जब आपने इस पॉइंट से यहां पे काउंट किए थे वन प्लस टू प्लस थ्री ये वाले बेटा छह त्रिभुज है ना फिर जब आपने इस पॉइंट के छह त्रिभुज काउंट किए थे तो ये ऐसा त्रिभुज था जो दो बार काउंट हो गया था वैसे इस है ना जब आपने इसके काउंट किए तो ये त्रिभुज ऐसा है जो दो बार काउंट हो गया ठीक है फिर आपने जब इसके तो ये वाला हो गया। फिर आपने जब इस पॉइंट इस तो इस के जब इस पे किए तो ये छह त्रिभुज और ये वाला भी डबल हो गया और ये वाला भी डबल हो गया छचिंग छत्तीस माइनस छत्तीस और तो बत्तीस चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या निकालो फटाफट से निकालो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ ये बहुत ही बेसिक सा फिगर है ठीक है ये कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक बैंक का है देखो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है है ना आप कैटेगरी में जाओगे ना तो जब आप एप्लीकेशन खोलोगे करियर विल उस पर जब आप ये रीजनिंग क्लास देख रहे हैं तो वहाँ पे एक वीडियो है आप उस वीडियो को देखो उसमें मैंने सिलेबस डिफ़ाइन करा है कि आपका जो बैंकिंग का सिलेबस है वो क्या सिलेबस है और बाकी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या है वो सब कुछ हमने डिफ़ाइन किया है ठीक है चलिए अब आप बोर्ड पे ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है है ना एक दो तीन एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देखो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ना मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है है ना ये मैं समझना लेकिन जो एग्जाम्स में हुए क्वेश्चन हैं उसी को हम तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं कैटेगरी में डिवाइड करके ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है ये देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है इस बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज हैं सर इस बॉक्स के अंदर तीन त्रिभुज हैं कितने त्रिभुज हैं तीन त्रिभुज है? है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही सर इस बॉक्स के अंदर भी कितने त्रिभुज हैं तीन त्रिभुज हैं ऐसे ही सर फाइनली इस बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर भी तीन त्रिभुज हैं तीन और तीन और तीन नौ त्रिभुज हो गए नौ त्रिभुज हो गए भाई नौ त्रिभुज हो गए तीन और तीन और तीन नौ अब बेटा इन बॉक्सेस को जब जोड़ोगे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं देखो एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा बना है दोनों बॉक्स को जोड़कर और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बना है दोनों बॉक्स को जोड़कर तो यहाँ पे दो ऐसे त्रिभुज हैं है ना एक त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा बना है और एक त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा बना है दो त्रिभुज ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा त्रिभुज है और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ग्यारह बेसिक सा क्वेश्चन है चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर इस पिक्चर में कितने त्रिभुज हैं? अब दिखाओ काउंट करके अब आएगा मजा हाँ जी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी ध्यान दीजिए अरे सब ध्यान दे रहे हैं दिल्ली पुलिस यूपीएसआई सारी चीजें क्यों परेशान हो रहे हो तुम हम्म हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर दो तीस सेकेंड का समय लो इस क्वेश्चन को समझने में देखो मैंने आपसे क्या बोला अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, दे दे दा दे दा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को ना बेसिक पार्ट में डिवाइड करो अगर आपको बेसिक फिगर में डिवाइड करना नहीं आता तब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाओगे है ना तो कितने बेसिक पार्ट है यहां पर कितने बेसिक पार्ट है ये बताओ देखो ये जो फिगर है ना इसको तीन बेसिक पार्ट में तोड़ो पहला जो बेसिक पार्ट है ना वो सेंटर में है पहला जो बेसिक पार्ट है वो सेंटर में है सेंटर में इस फिगर को तीन बेसिक पार्ट में तोड़ो तीन पहला बेसिक पार्ट ये सेंटर में है लाइक like दिस ये रहा पहला बेसिक पार्ट ये सेंटर में है आप काउंट करके बताओ बेटा इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं बताना इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं याद करो वन टू टू का क्यूब एट अगर इसमें एट है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे याद करो बेटा त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींच दो है ना ये दोनों फिगर एक ही है ये दोनों फिगर एक ही है त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींच दो और इसमें एट होंगे तो इसमें भी कितने होंगे है ना इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे आठ त्रिभुज होंगे ये तीनों ही फिगर एक जैसी हैं मानते हो कि नहीं मानते तो ये जो बीच वाली फिगर है इसमें कितने त्रिभुज हैं आठ त्रिभुज हैं ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कल ही सॉल्व किया था हमने ये क्वेश्चन याद है ना आप लोगों को हाँ जी चलिए अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला हिस्सा बना हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हिस्सा बना है इसमें कितने त्रिभुज हैं सर इसमें तीन त्रिभुज हैं अच्छा राइट हैंड साइड में भी ये हिस्सा बना हुआ है राइट हैंड साइड में जो हिस्सा बना हुआ है इसमें कितने त्रिभुज हैं इसमें भी तीन त्रिभुज हैं तो बाबू कितने हो गए आठ और तीन ग्यारह और तीन चौदह चौदह त्रिभुज हो गए हमारे बेसिक जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे है, है ना चौदह त्रिभुज हो गए हमारे बेसिक जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं अब हम काउंट करेंगे मन की आंखों से एक्स्ट्रा कितने ट्राइंगल है यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं कितने ऐसे त्रिभुज हैं, हैं।, हैं, हैं तो एक्स्ट्रा कितने कि त्रिभुज तो एक्स्ट्रा आ गए बोर्ड पे ध्यान से देखना मैं लेजर पेन से आपको दिखाऊंगा देखो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है जो पहले नहीं था वो अब है ये वाला जो त्रिभुज है ये पहले नहीं था वो इन दोनों को जोड़कर बना है इन दोनों को जोड़कर एक त्रिभुज ये वाला है जो इन दोनों को जोड़कर बना है इन दोनों को जोड़कर और एक त्रिभुज बाबू ये वाला है एक त्रिभुज ये वाला है जो इन दोनों को जोड़कर बना है पहले नहीं था तो ये बताओ जब मैंने ये वाला हिस्सा इसमें जोड़ दिया तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए एक त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गया है ना फिर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए और फिर हमारे ये तीन त्रिभुज तो यहां पर तीन त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा आ चुके हैं ये हिस्सा इससे जुड़ने पर अच्छा अब ये ये हिस्सा इससे जोड़ा मैंने ये हिस्सा इससे जोड़ा तो कितने त्रिभुज त्रिभुज एक्स्ट्रा है है वही बेटा जो वहां थे वो यही एक त्रिभुज दो त्रिभुज और एक ये तीन त्रिभुज तो बेटा ये वाला हिस्सा जब मैंने इसमें जोड़ा तो यहां से भी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए सर तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए मेरे तीन त्रिभुज है ना तो बड़ा आसान है एक बच्चा जरा आठ कैसे हुए अरे यार देखो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है एक इससे एक इससे तो काउंटिंग की क्या ट्रिक बताई थी जो नंबर है उसी का क्यूब कर दो भूल गए तुम फिगर को और बेटा चाहे किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींचो त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींचो ये सारी फिगर एक जैसी है ये वाली फिगर ये वाली फिगर ये वाली फिगर कल ही तो किया था क्वेश्चन ये कल हम कर चुके हैं क्वेश्चन ठीक है हाँ जी क्वेश्चन सीट बेटा नोट सेक्शन में मिलेगी तो आठ सेंटर में है तीन लेफ्ट में है तीन राइट में है आठ और छह चौदह और यहां पर एक्स्ट्रा कितने हैं तो बेटा ये वाला हिस्सा इससे जोड़ा गया तीन एक्स्ट्रा है ये वाला हिस्सा इससे जोड़ा गया तीन एक्स्ट्रा है क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो इन सबको जोड़कर बना नहीं सर सबको जोड़कर नहीं बना बस तीन और तीन एक्स्ट्रा आएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बीस होगा ट्वेंटी कितना होगा बीस तो देखो जो एक्स्ट्रा मैं है मैं लेजर पेन से दोबारा से समझा देता हूं ठीक है मैं लेजर पेन से दोबारा से समझा देता हूं जरा ध्यान ध्यान रखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना लेजर पेन से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये तीन त्रिभुज कौन से एक्स्ट्रा है देखो एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा है जो इन दोनों को जोड़कर बना पहले तो नहीं था जब इस फिगर को इस फिगर में जोड़ा गया तो ये बन गया नया एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा है मेरा है ना दो बन गए और एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा है ये तीन त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हैं तो ये जो तीन त्रिभुज यहां से जुड़ने पर एक्स्ट्रा है वही तीन, से जुड़ने पर है. वही तीन है एक दो और एक ये तीन देखो वही तीन त्रिभुज जो तीन यहां से हैं वही तीन यहां से हैं तीन और तीन है जी हाँ तो कहने का मतलब ये था कि कोई भी फिगर अगर एग्जाम में आ रही है तो सबसे पहले ना उस फिगर को ना बेसिक पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है अगर आप बेसिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो काउंटिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा है ना तो हमने पहले तो सेंटर वाला हिस्सा लिया जिसमें है आठ त्रिभुज तीन इधर से तीन इधर से, से चौदह और फिर तीन ये तीन ये, तीन ये बीस खत्म कहानी अब देखो इसी से मिलती जुलती फिगर अगली है इसी से मिलती जुलती फिगर है ये भी ये भी इसी से मिलती जुलती फिगर है बाबू अब इसको भी कितने हिस्सों में बांटो तीन हिस्सों में बांटो एक तो बेटा हिस्सा ये सेंटर वाला है एक तो हिस्सा ये सेंटर वाला है सेंटर वाला इसको भी तीन हिस्सों में बांटो एक तो यह सेंटर वाला है सेंटर वाले में काउंट करो सबसे पहले कितने त्रिभुज हैं सेंटर वाले में कैसे काउंट करोगे ये बताओ सर इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं ये कल मैंने कराई थी फिगर आपको इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं सोलह इसी फिगर में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं इसी फिगर में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं है ना और यहां से ये लाइन सिर्फ इतनी खींचूं मैं इतनी यानी कि ये वाली लाइन अगर मैं हटा दूं अगर ये वाली लाइन हटा दूं तो बेटा 16 में से कितने माइनस हो जाएंगे 16 में से कितने माइनस हो जाएंगे सिर्फ ये बता दो आठ बेटा कल की क्लास देख लेना कल की क्लास में मैंने आठ वाला क्वेश्चन कराया है ठीक है जल्दी से बताओ अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ से हटा दू ये हटा दू इसमें से अगर ये हटा दूं तो कितने कम करने होंगे सोलह में सोलह वाला क्वेश्चन कल हम कर चुके हैं तो बाबू इसकी वजह से कितने त्रिभुज कम हो गए मैं लेजर पेन से आपको दिखाता हूं देखो एक त्रिभुज तो ये कम हो गया है ना एक त्रिभुज ये कम हो गया दो त्रिभुज कम हो गए दो और उसके अलावा एक त्रिभुज ये कम हो गया तीन और एक त्रिभुज ये कम हो गया चार तो बेटा दो छोटे कम हो गए दो बड़े कम हो गए कितने त्रिभुज कम हो गए दो छोटे दो बड़े चार त्रिभुज कम हो गए यानी कि बारह तो जो सेंटर है उसमें कितने त्रिभुज है उसमें बारह त्रिभुज कितने त्रिभुज है बारह त्रिभुज है बेटा चार कम हुए हैं दो छोटे दो बड़े दो छोटे दो बड़े देखो ये दो बड़े कर्म हो गए ना एक कम ये हो गया एक कम ये हो गया ये दो तो बड़े त्रिभुज कम हो गए और दो छोटे त्रिभुज कम हो गए एक छोटा ये और एक छोटा ये दो छोटे कम हो गए तो चार कम हो गए सोलह में से चार कम करोगे बारह तो सेंटर वाले सेंटर वाले हिस्से में बारह त्रिभुज है अच्छा तीन त्रिभुज यहाँ पर है और एक त्रिभुज यहाँ पर है तो बारह और तीन पंद्रह और एक सोलह तो यहाँ पर सोलह बेसिक त्रिभुज है अब आप काउंट करो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं जल्दी से अभी थोड़ी देर पहले हमने इस फिगर को देखो काउंट किया था इसमें तीन पार्ट थे सेंटर वाला पार्ट लेफ्ट राइट ठीक है इसमें भी तीन पार्ट है सेंटर वाला पार्ट लेफ्ट राइट इसमें भी तीन हिस्से हैं है ना अब आप ये देखो ये काउंट हो गए अपनी आंखों से अब आप थोड़ा सा मन की आंखों से काउंट करो एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं हाँ जी जब आप इन फिगर को आपस में जोड़ोगे तो कितने ऐसे त्रिभुज हैं जो एक्स्ट्रा बनेंगे जल्दी से काउंट करो फटाफट से लेजर पेन से दिखाऊं मैं आपको देखो जब ये वाली फिगर इसमें जुड़ी है है ना जब ये वाली फिगर इसमें जुड़ी है तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज है जरा ध्यान से देखना देखो एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा है ये पहले नहीं था जो अभी है और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है दो त्रिभुज हो गए बहुत बढ़िया और इसके अलावा एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है तीन त्रिभुज हो गए और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है कितने त्रिभुज हो गए चार त्रिभुज हो गए बाबू ध्यान से देखो ध्यान से कितने त्रिभुज हो गए मैं चारों को दिखाता हूं एक दो दो त्रिभुज ऊपर से तीन और एक चार कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं चार त्रिभुज दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे मानते हो कि नहीं मानते सर ये वाला फिगर जब इसमें जोड़ा जा रहा है तो चार एक्स्ट्रा बने हैं कौन से चार एक्स्ट्रा बने हैं इसके अलावा जैसे ही मैंने ये वाली फिगर इसमें जोड़ी है जैसे ही मैंने ये फिगर इसमें जोड़ी और ये फिगर इसमें जोड़ी तो इन तीनों फिगर के जुड़ने से एक बड़ा त्रिभुज और बन गया ये वाला ये पहले नहीं था इन तीनों फिगर के जुड़ने से एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और बन गया इन तीनों फिगर के जुड़ने से एक बड़ा वाला त्रिभुज और बन गया तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं पांच त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा बने हैं पहले छह त्रिभुज एक्स्ट्रा थे है ना पिछली वाली फिगर में 8 और 3 11 और 3 14 तीन इधर से तीन इधर से छह एक्स्ट्रा थे लेकिन यहां पर कितने एक्स्ट्रा हैं बारह और तीन पंद्रह और एक सोलह सोलह के अलावा कितने एक्स्ट्रा हैं इसको जोड़ोगे चार इसके तीनों के जुड़ने से एक और बना तो चार और एक पांच ठीक है देखो कुछ दिन बाद भूलना भूलना हर किसी का काम है उसका एक ही तरीका है टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना अगर आप चीज़ों का टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं इसलिए रिवीजन टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है तो बेटा एक ये वाला फिगर तुमने पढ़ा एक ये वाला फिगर तुमने पढ़ा अब एक ये वाला फिगर ये भी बिल्कुल वैसा ही फिगर है जो आप अभी भी आप करके आए हो ये भी बिल्कुल वैसा ही फिगर है इसको भी कितने हिस्सों में बांट लो तीन हिस्सों में बांट लो एक तो ये सेंटर वाला हिस्सा ठीक है एक लेफ्ट में एक राइट में जल्दी से बता दो बेटा कुछ ही सेकंड्स के अंदर सेंटर वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ इसमें कितने त्रिभुज होते हैं है ना सेंटर वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे जो सेंटर वाला फिगर है उसमें कितने त्रिभुज हैं यही दो फिगर है सेंटर वाला ये सारी फिगर एक जैसी है तो जो सेंटर वाला फिगर है उसमें कितने त्रिभुज हैं आठ त्रिभुज हैं लेफ्ट में कितने हैं लेफ्ट में तीन है राइट right में तीन है आठ और तीन ग्यारह और तीन चौदह चौदह तो हो गए बेसिक अब यहां पर एक्स्ट्रा कितने हैं ये काउंट करो फटाफट से हाँ जी, अब यहां पर एक्स्ट्रा कितने हैं ये काउंट करो अब आएगा मजा कि आप इस फिगर में एक्स्ट्रा काउंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हम्म इसमें तीन फिगर थे एक्स्ट्रा कितने थे छह तीन इधर से तीन इधर से इसमें तीन फिगर थे एक्स्ट्रा कितने थे पांच चार इधर से एक सबको मिलाकर इसमें तीन फिगर है चौदह और एक्स्ट्रा कितने हैं ये काउंट करो जल्दी से करो फटाफट से जल्दी से <laughs> हाँ जी जल्दी -फत से काउंट करो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने यहां पर फटाफट से जी सर अगर मैं अगर मैं इस फिगर को अगर मैं लेफ्ट वाले फिगर को इसमें जोड़ता हूँ ठीक है और राइट वाले मतलब लेफ्ट वाले को इसमें जोड़ता हूं या राइट वाले को इसमें जोड़ता हूं तो जितने त्रिभुज यहां एक्स्ट्रा होंगे उतने ही यहां एक्स्ट्रा होंगे सेम होंगे एक्स्ट्रा सेम ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाए अब मैं लेजर पेन से आपको दिखाऊंगा इन दोनों को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है ये वाला वही त्रिभुज जो वहां पर थे एक ये वाला एक्स्ट्रा है दो और एक ये वाला एक्स्ट्रा है तीन है ना एक ये वाला एक्स्ट्रा है तीन मानते हो कि नहीं मानते जी हाँ सर जब ये दोनों आपस में जोड़े जा रहे हैं तो एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये इन दोनों को जोड़ने पर ये तीन, तीन, तो तीन मिलेंगे हमें कैसे मिलेंगे सर एक त्रिभुज ये मिल गया एक त्रिभुज ये मिल गया दो त्रिभुज मिल गए और एक त्रिभुज ये मिल गया यही तीन त्रिभुज यहाँ मिलेंगे एक्स्ट्रा मिलेंगे ना तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा हाँ सर बिल्कुल तो तीन और तीन छे ठीक है ये वही तीन और तीन छह हैं जो यहां पर थे तीन यहां से तीन यहां से लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इन तीनों फिगर को जब आपस में जोड़ दोगे तो बेटा इन तीनों फिगर को जोड़ने पर ना कुछ और त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा मिलेंगे इन तीनों फिगर को जोड़ने पर कुछ और त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलेंगे पता कौन से त्रिभुज हैं देखो एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा है ना इन तीनों फिगर के जुड़ने पर और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ से और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहां से तो जब मैं तीनों फिगर को आपस में जोड़ दूंगा तो तीन त्रिभुज मेरे और बनेंगे है ना जब ये तीनों फिगर आपस में जुड़ जाएंगे तो तीन त्रिभुज और बनेंगे एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा दो और एक ये बन जाएगा तीन तो तीनों फिगर के जुड़ने से तीन और बन गए तो बेटा तीन और तीन और तीन नौ यहाँ पे नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा ट्वेंटी थ्री आठ वाला क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने कराया था आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं तो ये थे बेटे त्रिभुज के फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन है ना त्रिभुज का टाइप वन कैटेगरी से हमने कितने क्वेश्चन किए बेटा सत्ताईस क्वेश्चन किए अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल का टाइप टू और फिर हम क्या करेंगे फिर कुछ देर बाद हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे फिलहाल हमने टाइप वन कैटेगरी के 27 क्वेश्चन बना लिए अब हम टाइप टू शुरू करेंगे ठीक है टाइप टू क्या है कि जब हम बॉक्स के अंदर त्रिभुज काउंट करते हैं टाइप टू क्या है जब हम बॉक्स के अंदर ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं तो बेटा टाइप वन कैटेगरी में तो सारे क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने थे सारे क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व करने थे इंडिविजुअल नंबरिंग करो इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो दिस इज टाइप वन टाइप टू में क्या करना है इंडिविजुअल नंबरिंग करो बेटा चार त्रिभुज तुम्हें छोटे दिखाई दे रहे हैं तो जितने छोटे दिखाई दे रहे हैं उतने ही यहाँ पे बड़े त्रिभुज और होंगे इसी नंबर का डबल कर दो तो टाइप वन कैटेगरी में तो इंडिविजुअल नंबर्स का सम कर रहे थे लेकिन टाइप टू कैटेगरी में जो इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आंसर उसका जस्ट डबल कर दो क्योंकि यहाँ पे चार छोटे त्रिभुज हैं बेटा चार बड़े त्रिभुज हैं देखो ये वाले एक बड़ा त्रिभुज ये गया ऐसे यहाँ पे चार बड़े त्रिभुज और हैं तो इसका आंसर है आठ तो हमने इस फिगर से रिलेटेड ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए ना टोटल सत्ताईस क्वेश्चन ये सत्ताईस के 27 क्वेश्चन इसी फिगर को डील करते थे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस फिगर से रिलेटेड फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर दो फटाफट से दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है मौसम बड़ा शानदार हो गया गजब बहुत बढ़िया शानदार आप लोग बारिश की आवाज सुन पा रहे हो गये? है ना साउंड आपको आ रही होगी बारिश की बहुत तेज जैसे तैसे तो दिल्ली में बाढ़ का पानी निकला था और इतनी तेज बारिश है कि दोबारा से बाढ़ का पानी आने वाला है अब <laughs> हाँ जी अब इस फिगर में कैसे निकालोगे बेटा क्या आंसर होगा सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखा रहा है आंसर उसका डबल कर दो छह दूनी बारह छह दूनी बारह इस फिगर का आंसर कितना होगा कितना होगा है? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल है आंसर उसका जस्ट डबल कर दो आठ दूनी सोलह जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल है आंसर उसका जस्ट डबल कर दो आठ दूनी सोलह तो ये टाइप टू कैटेगरी है समझ रहे हो हाँ जी अब ये बताओ ये जो फिगर है फिगर कितने बेसिक फिगर से मिलकर बनी है जैसे हमने टाइप वन कैटेगरी में पहले सिंगल फिगर पढ़े थे फिर मल्टीपल फिगर पढ़े ऐसे ही टाइप कैटेगरी के हमने पहले सिंगल फिगर देखे अब हम देखेंगे मल्टीपल फिगर्स तो मल्टीपल फिगर को कैसे करोगे पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक पार्ट में तोड़ लो है ना प्लीज चेक ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन में क्या दिक्कत है भाई है तेईस आंसर होगा इसका तेईस ही है तेईस के अलावा कुछ नहीं आप आराम से चेक कर सकते हैं है ना तसली से घर पे जाके हम्म इस फिगर को कितने हिस्सों में तोड़ लेंगे दो बेसिक पार्ट में तोड़ लेंगे एक लेफ्ट और एक राइट वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट आठ और आठ सोलह तो बेटा सोलह तो बेसिक है अब काउंट करो एक्स्ट्रा जो मन की आंखों से दिखाई देंगे ये बताओ जब मैं इन दोनों फिगर को जोड़ दूंगा तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं सर एक बड़ा वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा ये है और एक बड़ा वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा ये है तो जब मैं दोनों फिगर को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा है दो त्रिभुज एक्स्ट्रा है तो सोलह और दो अट्ठारह पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा है ना पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा अब ये बताओ पहले बेसिक फिगर में काउंट करो बेसिक फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं हाँ जी बेसिक फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं कितने बेसिक फिगर हैं यहाँ पर जल्दी से बताओ कितने बेसिक फिगर हैं सर यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं यहाँ पे तीन बेसिक फिगर हैं वन टू थ्री फोर ये एक बॉक्स है ना फोर का डबल एट वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट आठ तीस चौबीस तो चौबीस त्रिभुज होगा यहाँ पे बेसिक एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं जल्दी से काउंट करो एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं जब हम इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ देंगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर सर एक त्रिभुज ये बनेगा बड़ा वाला और एक त्रिभुज ये मिलेगा बड़ा वाला दो त्रिभुज तो यहाँ से आ गए अच्छा जब हम सेकेंड और थर्ड को आपस में जोड़ेंगे तो एक मिलेगा बड़ा वाला यहां से और एक मिलेगा बड़ा वाला यहां से तो दो त्रिभुज यहां से आ जाएंगे तो बाबू दो त्रिभुज फर्स्ट और सेकंड से आ जाएंगे दो त्रिभुज सेकंड और तो थर्ड से आ जाएंगे कितने त्रिभुज एक से आ जाएंगे चार त्रिभुज तो चौबीस और चार अट्ठाइस चौबीस और चार अट्ठाईस ठीक है जी अब आप इस फिगर को सॉल्व करो इसको सॉल्व करो ठीक है इस फिगर में कितने त्रिभुज है तो हमेशा याद रखना एग्जाम में कोई भी काउंटिंग की फिगर आ जाए कैसी भी काउंटिंग की फिगर आ जाए सबसे पहले आप उस फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ो ठीक है फिर आप काउंट करो एक्स्ट्रा पहले अपनी आंखों से बाद में मन की आंखों से है ना पहले आप अपनी आंखों से काउंट करो त्रिभुज पहले आप बेसिक फिगर में काउंट करो देन एक्स्ट्रा हाँ जी सर यहां पर दो पार्ट्स हैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पहला बॉक्स में कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह दूनी बारह एक दो तीन चार पांच दूनी बारह 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 चौबीस सर चौबीस तो यहां पे हो गए बेसिक अब बताओ एक्स्ट्रा कितने हैं हाँ अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दू अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दू तो कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर क्यों भाई कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर क्या दो ही त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे सर सर ये दो तो बनेंगे, सर बड़े वाले त्रिभुज देखो सर दो तो बन गए ये बड़े वाले त्रिभुज जैसे कि पिछले फिगर में थे है ना पिछले फिगर में भी तो आपने देखे थे इससे पिछले फिगर में भी तो आपने देखे थे ये वही दो बड़े त्रिभुज हैं जो आप देखते हुए आ रहे हो लेकिन यहाँ पर बीच में से भी लाइन खिंची है अच्छा बीच में से लाइन खिंचने की वजह से यहाँ पे ये दो छोटे त्रिभुज एक्स्ट्रा और होंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वही त्रिभुज त्रिभुज होते हैं 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 जो जो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा चार जो इस बाउंड्री पे आ गए है ना इस बॉक्स के अंदर जितने हैं वो सब कुछ मिला के बारह इस बॉक्स के अंदर सब कुछ मिला के बारह और इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर है ना जो दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर बने वो कितने हैं चार दो नहीं बनेंगे चार बनेंगे और आंसर कितना आ गया ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट है ना तो अब आप आंसर दे पा रहे हो कुछ ही सेकंड्स में अब आ रहा है मजा चलिए साहब पहले बेसिक काउंट करना दे, दे एक, एक्स्ट्रा काउंट करना अब दो आंसर क्या होगी, ओगी बाबा बगवी ये क्या नाम है भाई तुम्हारा ओ जी जी वाई बी ए बी ए बी जी एम आई देवेश सुरेश साबाश गुलशन मंसूरी संतोष मीना गजब बहुत बढ़िया हाँ जी पहले बेसिक काउंट करो देन एक्स्ट्रा अगर मैं बेसिक हाँ पहले बेसिक बेटा फिर एक्स्ट्रा बेसिक कितने हैं वन टू थ्री फोर का डबल एट वन टू थ्री फोर का डबल एट वन टू थ्री फोर का डबल का डबल मैं उम्मीद करता हूं कि इन त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इन 32 में किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं पहले तो इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ो इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर कितने बनेंगे दो देखो जो यहां बने थे दो इन दोनों को जोड़ने पर जो यहां बने थे दो इन दोनों को जोड़ने पर वही दो बनेंगे वही दो बनेंगे यहां पर भी लेजर पेन से देखना चाहे तो हम देख सकते हैं देखो ये रहे वो दो ये रहे वो दो त्रिभुज पहले दो बॉक्सेस को जोड़ने पर ये दो त्रिभुज आ गए मेरे निकलकर है ना चलिए अब अगर मैं दूसरे तीसरे बॉक्स को जोड़ दू तो वहां से भी दो त्रिभुज बनेंगे दूसरे तीसरे बॉक्स से देखो ये रहे दो त्रिभुज एक त्रिभुज ये बनेगा एक त्रिभुज ये बनेगा दूसरे तीसरे से भी दो आ गए ऐसे ही बेटा तीसरे चौथे बॉक्स को जोड़ोगे ना तो तीसरे चौथे बॉक्स बॉक्स को को जोड़ के भी भी ना दो त्रिभुज आ जाएंगे तीसरे चौथे तो जोड़कर आपस में कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आ जाएंगे दो त्रिभुज आ जाएंगे तो बाबू दो यहाँ से आ गए दो यहाँ से आ गए दो यहाँ से आ गए कितने आ गए छह एक्स्ट्रा आ गए है ना छह आ गए एक्स्ट्रा इसके बाद ये सारे बॉक्सेस जब जुड़ गए तो बेटा इन तीन बॉक्सेस को जोड़कर एक बड़ा त्रिभुज बनेगा ये वाला शायद आपने इस वाले त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया इस बड़े वाले त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया ये एक बड़ा त्रिभुज और बनेगा इन तीनों बॉक्सेस को जोड़ने पर तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा बने दो चार छ सात त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए और बत्तीस और सात उनतालीस थर्टी नाइन इज द राइट आंसर आठ चौक बत्तीस कोई दिक्कत नहीं है ना उसके बाद दो चार छ कोई दिक्कत नहीं छ के बाद जो सातवां त्रिभुज है वो ये बड़ा वाला त्रिभुज है जो इन तीनों बॉक्सेस को जोड़ने पर बन गया तो बत्तीस और सात उनतालीस ठीक है हाँ जी नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बेहद सोच समझ के देना हड़बड़ाहट हड़ और जल्दबाजी मत करना इसका आंसर सोच समझ के देना ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर बेहद ही सोच समझ के देना इतनी हड़बड़हट मत करना इसका आंसर देने से पहले पेशेंस रखना तब आंसर देना ठीक तीन और चार को ऐड करने से दो छोटे ट्राइंगल और बनेंगे बाबू तीन और चार को ऐड करने से दो छोटे कौन से बन जाएंगे बताना ये कोई छोटा त्रिभुज थोड़ी बद गया एक्स्ट्रा या ये वाला त्रिभुज तो ऑलरेडी इन आठ में काउंट हो चुका है कौन से एक्स्ट्रा बन गए त्रिभुज एक्स्ट्रा थोड़ी कोई तो दो छोटे नहीं है ये त्रिभुज ऑलरेडी इन आठ में काउंट हो चुका है एक्स्ट्रा वो त्रिभुज होते हैं जो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो तीन और चार को जोड़ने पे सिर्फ दो ही बड़े एक्स्ट्रा बनेंगे ठीक है बेहद सोच समझ के आंसर दो वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट 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 है ना बहुत बढ़िया तो आठ चौक बत्तीस कितना हो गया आठ चौक बत्तीस बत्तीस हो गया शानदार हम्म हाँ जी तो बत्तीस हो गया आठ चौक बत्तीस अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करो अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दो अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दू तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे सर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा यहां से बनेगा और एक त्रिभुज एक्स्ट्रा यहां से बनेगा कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए सर दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर है ना फर्स्ट और सेकंड अगर मैं सेकंड और थर्ड बॉक्स को आपस में जोड़ दूं सर अगर मैं सेकंड और थर्ड बॉक्स को आपस में जोड़ दूं तो अगेन मेरे कितने त्रिभुज बन गए दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए ऐसे ही अगर मैं सेकंड और फोर्थ को जोड़ दूं आपस में अगर मैं सेकंड और फोर्थ को आपस में जोड़ दूं तो सेकंड और फोर्थ को जोड़ने पर भी ना दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए देखो सेकंड और फोर्थ को जोड़ने पर भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए तो दो यहां से बन गए दो यहां से बन गए दो यहां से छ इन छह में किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं इन छह में कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब आप बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना ये चारों बॉक्सेस जुड़कर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बना रहे हैं एक बड़ा वाला त्रिभुज है आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया इस त्रिभुज पर त्रिभुज ए बी सी आप लोगों ने इस त्रिभुज पे ध्यान ही नहीं दिया है ना इस ए बी सी त्रिभुज पे ध्यान ही नहीं दिया एक बहुत बड़ा त्रिभुज है ए बी सी जो इन चारों बॉक्सेस को जोड़ने पर बना है दिस इज ए बी सी एक ए त्रिभुज है आपने इस ए बी सी त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया ये ए बी सी वो त्रिभुज है जो इन चारों बॉक्सेस को जोड़ने पर बना है इन चारों बॉक्सेस को जोड़ने पर बना है ए बी सी ए बी सी के बाद एक और त्रिभुज है यहाँ पर ए ई आपने ई -E त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया आपने बत्तीस और छह तो काउंट कर लिए अड़तीस लेकिन अड़तीस के बाद कुछ बड़े त्रिभुज हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे त्रिभुज ए डी ई देखो ई e त्रिभुज पे ध्यान दो त्रिभुज डी ई है ना ई e त्रिभुज से लेजर पेन से भी मैंने दिखा दिया इसके बाद एक और त्रिभुज है बी एफ जी आपने बी एफ जी पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे तीन स्पेशल ये बड़े त्रिभुज और है, है ना तो आठ चौक बत्तीस बत्तीस के बाद दो और दो चार और दो छः इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत सिर्फ इसमें है इन तीन में मैं फिर से लेजर पेन से दिखाता हूँ देखो ए बी सी देख लो लेजर पेन से ए बी सी देख लो लेजर पेन से अब मैं ए डी ई को दिखाऊंगा अब ये ए डी ई देख लो आप लेजर पेन से ए डी ई e देख लो लेजर पेन से अब लास्ट में देख लो बी एफ जी कौन सा है देखो ये है बी एफ जी ये है बी एफ जी तो ये तीन त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज है ठीक है ये तीन त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज है तो बत्तीस और छ अड़तीस अड़तीस और तीन इकतालीस इज द राइट आंसर फोर्टी वन इज द राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, है ना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्टी वन है कितना आंसर है फोर्टी वन ना कि थर्टी नाइन ना कि थर्टी एट ठीक फोर्टी वन इज द राइट आंसर हमें यहां पे बस ये तीन त्रिभुज पे ध्यान देना था अच्छे से ये तीन त्रिभुज कौन से हैं ठीक है चलिए आओ कल भी हम अभी काउंटिंग फिगर को ही कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से ये पूरा वीक हम काउंटिंग फिगर चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं है ना ये पूरा हफ्ता काउंटिंग फिगर में ही निकलेगा तब अच्छा रीजनिंग में जो सारे चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर इतने बड़े चैप्टर नहीं है कि दस दिन में खत्म होंगे रीजनिंग में जो टॉपिक्स है ना वो हर टाइप के टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसकी तरह जो सात आठ मतलब पाँच छ सात क्लासेस में खत्म होंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं रीजनिंग में जो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो एक ही दिन में दो या तीन टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो हर तरीके के चैप्टर हैं आपके एग्जाम मतलब सिलेबस में ऐसा नहीं है कि जितने भी छियालीस टॉपिक मैंने लिखा है छियालीस के छियालीस चैप्टर बेटा इतना ही समय लेंगे खत्म होने में ना है ना छियालीस में से पंद्रह बीस ऐसे चैप्टर हैं जो इतना समय लेंगे बाकी जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे चैप्टर है ठीक है जी तो यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है एक दो तीन चार चार दूनी आठ एक दो तीन चार चार दुनी आठ, एक, दो, तीन, चार चार हो प्लस कितने सर इन दोनों को जोड़ दो तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा जो कि हम काउंट करते आ रहे हैं अभी तक कौन से दो त्रिभुज एक त्रिभुज एक्स्ट्रा एक त्रिभुज एक्स्ट्रा दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए सर इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दो फिर से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा कौन से दो त्रिभुज वही दो त्रिभुज एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया ठीक है ऐसे ही इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दो इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दो तो और दो चार और दो और दो चार और दो, दो और दो, दो, दो आठ अब इन आठ के बाद जब हम ये चारों बॉक्सेस जोड़ देंगे ना है ना जब ये पूरा सिलेबस कैसे हो जाएगा यूट्यूब पर यार ऐसे यार मजाक कर रहे हो तुम है जब तक फ्री सेवा चल रही है तब तक फायदा ले लो जब हम इन चारों बॉक्सेस को जोड़ देंगे तो यहां पे कुछ बड़े त्रिभुज और फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो चौवालीस होगा यानी कि फोर्टी और मोर डेट इज फोर्टी फोर फोर्टी फोर तो आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं बाकी इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है हाँ जी लव यू गाइस, लव यू ऑल टेक केयर शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट गुड बाय धन्यवाद मुलाकात करते हैं ठीक कर एक बचे ठीक है लव यू लव यू ऑल